ब्योहारी में एक बड़ी कार्रवाई कांजे के ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई इसमें की गई थी, और इस कार्रवाई में जो है रोहित शर्मा नामक जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार भी किया गया था। जहाँ तक के पर्टिकुलर इस व्यक्ति की, इस अपराधी की बात करें, तो इसमें इनके खिलाफ पूर्व के भी जो है आपराधिक जो है इनका रिकॉर्ड रहा है, और न केवल हम बात करेंगे शहडोल डिस्ट्रिक्ट की बल्कि इर्द गिर्द के जो डिस्ट्रिक्ट है, सराउंडिंग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, सीधी है, सतना है, रीवा है, इन सभी चीज़ों पर भी यहाँ पर भी इनके अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। और भी इनकी जो है कहाँ कहाँ पर इनके संपर्क सूत्र थे इन सभी चीज़ों पर, और अन्य कोई डिस्ट्रिक्ट पे यदि कोई अपराध पंजीबद्ध हो तो उसके संदर्भ में हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जो प्रश्न है कि साइबर के कर्मचारी का इसमें इन्वॉल्व होना, उस संदर्भ में जो जानकारी प्राथमिक रूप से जो प्राप्त हुई है वो उसके लिए पूर्व से एक जांच की जो टीम है गठित की गई है, जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी इसमें जांच कंप्लीट करके बताएं और सारे साक्ष्यों का इसमें संकलन करें, और साथ ही साथ इसमें जो है जांच पर जो उसकी सूचिता बनाए रखने के लिए जो है संबंधित जो अधिकारी है उसको जो है पुलिस लाइन अटैच किया। इसका जो वर्तमान मुझे जानकारी प्राप्त हुई है तो इसमें जो है इनका जो है अमित दीक्षित नाम का इनका जो है, और जो है वर्तमान में जो पदस्थापना की बात करें तो ASI M पद पर